जापनीज़ फेशियल की ट्रे जो कि हम लोग यूज़ करेंगे अभी फेशियल के दौरान, जिसमें कि हम लोग ये शैशे लगाए हुए हैं, 1, 2, 3 इस तरह से शैशे आ जाते हैं। एंड हमारे ये माइक्रो कैप्सूल, एंड इसमें हमारा एम्प्यूल, ये नोज़ल आता है, एंड ब्रेकर, एंड दिस इज स्पैचुला। सो इससे हम मिक्सिंग करेंगे इस कैनपे की ट्रे पे एंड यूज़ करेंगे प्रोडक्ट। चैनल नेहा ब्यूटी एकेडमी, जिसमें आज हम करने वाले हैं कैनपेगी का प्लांज फेशियल। प्लांज फेशियल लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए जाता है। ये आप ऑल स्किन टाइप दे सकते हैं, साथ में अगर किसी को हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, टैन, डिस्कलरेशन, मेलास्मा, एट स्पॉट्स, एनी काइंड ऑफ डार्क प्रॉब्लम, तो आप हमेशा प्लांज। सो अभी जो हमारा क्लाइंट है उनका स्किन काफ़ी मतलब टैन है, स्किन टाइप तो उनका कॉम्बिनेशन है, बहुत लाइट नोज पे एरिया पे, यहाँ पे ऑयल है, बाकी पूरे फेस में थोड़ा सा ड्राइनेस है। तो अगर आपकी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो हम ब्लांच को वहाँ पे अवॉइड करेंगे, उसकी जगह हम बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग वाला फेशियल उनको देंगे। बट अभी क्या है, हमारे क्लाइंट को हमें थोड़ा सा लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग देना है। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कलरेशन है, ये आप देख रहे हैं कि माउथ एरिया और थोड़ा जो फोरहेड है क्लाइंट का वो काफ़ी डार्क है, एंड रेस्ट एरिया उनका लाइट है। लेकिन हम यहाँ देखने के नोज पे हमारे क्लाइंट के थोड़ा सा पिगमेंटेशन है अभी, तो इसी चीज़ के लिए, स्पेशली पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट और डिस्कलरेशन के लिए, लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए हमारा फेशियल जाता है ब्लांच। तो उसको हम करने के लिए अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इसमें हमारा स्टेप रहेगा क्लींजर। इसमें 2 टाइप के क्लींजर दिए हुए हैं, पहला है जेल क्लींजर, सेकंड है हमारा क्रीम क्लींजर। तो जो हम जेल क्लींजर करेंगे उसको हम 2-3 मिनट का करेंगे विथ वाटर, हमें पानी टच करते रहना है, क्योंकि जेल फॉर्म में जो क्लींजर होता है वो बहुत जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब होता है, और हमें स्किन में क्लींजर को कभी भी अब्जॉर्ब नहीं कराना चाहिए, इसलिए हम वाटर टच लेते रहेंगे। क्लींजिंग करने के लिए बहुत ही हमें सर्कुलर मोशन में फिंगर टिप के साथ सॉफ्ट हैंडलिंग करना होता है। जेल क्लींजर है ये, हमारे स्किन से जितना भी एसिडिक डर्ट पार्ट है उसको डीपली क्लीन करेगा, आपका एक्सेस ऑयल, इम्प्योरिटीज, डस्ट को क्लीन आउट करता है, एंड स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देता है। क्योंकि जो सेकेंड क्लींजर है हमारा क्रीम क्लींजर, वो भी आपका क्रीम फॉर्म में है तो वो स्किन को अगेन मॉइस्चराइज कर देगा, तो इससे हमारा स्किन, क्लाइंट का स्किन थोड़ा सा ड्राई होने वाला है। सो अभी हमारा 3 मिनट की क्लींजिंग हमने यहाँ किया है, और इसको वाइप अप कर देंगे। स्टेप हमारा रहेगा मिल्कीना क्रीम क्लींजर, जो कि क्रीम फॉर्म में क्लींजर है। अभी हमने फर्स्ट क्लींजर से क्या किया है, अपने क्लाइंट का जितना भी वाटर सॉल्युबल डर्ट पार्ट है, सॉरी ऑयल सॉल्युबल, उसको डीपली क्लीन किया है। अभी सेकंड स्टेप के साथ हम अपना वाटर सॉल्युबल डर्ट पार्ट को क्लीन करेंगे, जो हमने स्किन थोड़ा सा मॉइस्चराइज किया है उसको, ड्राई किया है उसको अगेन मॉइस्चराइज कर देंगे हम अपना क्रीमी क्लींजर के साथ। फर्स्ट क्लींजर में थोड़ा सा वाटर टच के साथ किया था, क्योंकि जेल फॉर्म में क्लींजर बहुत जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, बट ये जो हमारा क्रीमी क्लींजर है, मिल्कीना क्रीमी क्लींजर, तो ये आपका स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ये आपके स्किन के पोर को डीपली क्लीन करेगा, एंड जितना भी वाटर सॉल्युबल डर्ट पार्ट है उसको क्लीन करेगा, सेकेंड जो हमने स्किन को ड्राई किया है उसको मॉइस्चराइज भी करेगा। Thank you.
मिनट की मल्सिफिकेशन करने के बाद अभी हम यहाँ पे इसको वाइप ऑफ कर देंगे, क्योंकि वो ऑयल फॉर्म में है तो बहुत जल्दी इजिली क्लीन हो जाते हैं ये फेस से। अभी जो हम लोग ब्लांच यूज कर रहे हैं ये आपकी बस हर कोई मांगता है ब्राइडल्स के लिए कि ग्लो के लिए और वाइटनिंग के लिए, तो वहाँ पे भी हम इस ब्लांच फेशियल को दे सकते हैं। बस हमने कहाँ अवॉइड करना है, जहाँ पे हमारा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है, क्योंकि जहाँ भी आप लाइटनिंग फेशियल करते हो वहाँ पे थोड़ा बहुत ड्राइनेस आना नॉर्मल होता है, क्योंकि हम वाइटनिंग के लिए फेशियल कर रहे हैं। एंड जहाँ पे स्किन सेंसिटिव होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें पहले रिपेयरिंग के लिए और स्किन को हेल्दी बनाने के लिए फेशियल देना होता है, तो इसलिए वहाँ पे भी आपको ये फेशियल अवॉइड करना है, बाकी आप सभी को दे सकते हैं। सो हमारा जो थर्ड स्टेप रहता है वो है एंजाइम माइक्रोफोलिएंट, ये आपका एक्सफोलिएटर है यानी कि स्क्रब। सो इसको क्या करना होता है, इसमें पेपिन एंजाइम है जिसका सोर्स है पपाया। तो पेपिन एंजाइम क्या करता है फेस पे कि आपका जितना भी डेड स्किन है उसको खुद खाने का काम करता है, एक तरह से डिसॉल्व करता है। सो जब आप इसको अप्लाई करके, बोटैनिकल बेस्ड प्रोडक्ट है तो थोड़ा टाइम लेता है, नेचुरल है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट अप्लाई करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए एंड देन मल्सीफाई करेंगे। तो 5 मिनट जब तक हम छोड़ेंगे तो ये खुद एक्सफोलिएशन का काम करेगा, यानी खुद आपके डेड स्किन को रिमूव करता रहेगा एंड डेड स्किन को सॉफ्ट भी करेगा। उसके बाद हम 2 मिनट की मल्सिफिकेशन के साथ इसको रिमूव भी कर देंगे। सो हम इसको पूरा अच्छे से पैक की तरह लगा के छोड़ देंगे। सो अभी हमने इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दिया है, क्योंकि पेपिन एंजाइम क्या होगा, खुद आपकी डेड स्किन को खाने का काम करेगा, उसको डिसॉल्व करेगा। तो ये एक तरह से हेल्दी एक्सफोलिएटर होता है, क्योंकि आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं करता है। तो अभी हम अकॉर्डिंग टू स्किन, कहीं पे आप 3 मिनट भी छोड़ सकते हैं, कहीं पे आप 5 मिनट भी छोड़ सकते हैं, और इन केस अगर आपकी क्लाइंट बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ स्किन है तो आप 5 से 6 मिनट तक भी जा सकते हैं। अभी फिलहाल हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पे 5 मिनट्स हो चुके हैं, तो अभी हम वाटर टच के साथ यहाँ पे मल्सिफिकेशन करेंगे 2 मिनट्स की, जिससे ये जो थोड़ा बहुत ड्राइनेस आई है, मतलब जो फेस पे ये सेट हुआ है, तो हम इसको सॉफ्ट करके रिमूव कर सकें। वाटर टच के साथ हम इसको मल्सिफाई करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे 2-3 मिनट हो चुके हैं इसको मल्सिफाई करते हुए। हमें उस एरिया को ज़्यादा फोकस करना है जहाँ पे आपका डिस्कलरेशन ज़्यादा है, जैसे आपका माउथ एरिया एंड फोर है। सो अभी हम इसको क्लीन कर देंगे। फोर्थ स्टेप में हमारा रहता है माइक्रो कैप्सूल डर्मा केयर ड्रॉप, जिसको मैं शॉर्ट में DCDV बोलती हूँ। तो इसी के अंदर हमने जितना भी कैनपेकी में इंग्रेडिएंट यूज़ करे हैं उसकी प्योरेस्ट फॉर्म आपको इसमें मिल जाती है। इसमें आपको विटामिंस, मिनरल और प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं। सो इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, हाफ माइक्रो कैप्सूल को या DCD को हमने क्या किया है, अपने ट्रे में निकाल लिया है एंड इसको इस तरह से हम लोग मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह बॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बॉल का भी यूज़ बता दूंगी कैसे करना होता है। तो हमने हाफ हाफ यूज़ करना होता है। फोर्थ स्टेप को हम लोग 5th स्टेप और 6th स्टेप में मिक्स करके यूज़ करेंगे। सो 5th में आता है हमारा जेल एंड 6th में आता है हमारा मास्क, दोनों में हमने उसको मिक्स करना है एंड यूज़ करना है। जेल से मसाज करनी है एंड मास्क को हमने अप्लाई कर देना है। तो अभी हमारा ये जो 4th स्टेप है को हम इस तरह से सारे बबल्स को हमने मैश कर लिया है। सो अभी हमने ये क्या किया है, हमने अपने जो माइक्रो कैप्सूल या DCD है उसको हमने मैश कर लिया है, और हमारा जो 5th स्टेप रहेगा अंडर आई जेल, उसको हमने इसमें हाफ DCD में या माइक्रो कैप्सूल में हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। तो कैनपे की ट्रे का ये यूज़ है, और अभी मैं आपको बॉल का यूज़ भी बता दूंगी, इन केस आपके पास ट्रे नहीं है तो आपने बॉल कैसे यूज़ करना है।
हमारे जेल में पूरे अच्छे से मिक्स हो गया है माइक्रो कैप्सूल को, तो अभी हम इसको लेंगे और पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करेंगे। इसका नाम अंडर आई, जब इसको इस तरह से हम इसको उठा सकते हैं हैंड्स पे, सीधा किया है से बहुत सॉफ्टली उठ जाता है, कहीं बाहर नहीं जाता। सो अभी इस जेल को हम लोग अपने क्लाइंट को अच्छे से पूरे फेस पे मसाज देंगे। नाम अंडर आई जेल है लेकिन हमने आईज पे के साथ साथ पूरे फेस को करना है, क्योंकि हम जब दो बार क्लींजिंग कर चुके हैं, एक बार एक्सफोलिएट कर चुके हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा स्किन थोड़ा सा ड्राई एंड डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी स्किन का पीएच हाई हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें टोनिंग करना होता है। तो हम जो माइक्रो कैप्सूल कर रहे हैं मिक्स करके, एंड जेल भी हमारा वाटर बेस्ड होता है, तो यहाँ पे ये आपका हाइड्रेशन का और टोनर का दोनों का काम हो जाएगा। तो हमने पूरे फेस को अच्छे से सॉफ्ट मसाज के थ्रू इस जेल को स्किन में पेनिट्रेट कराना है, पूरा अब्जॉर्ब कराना है। देन आप इसको पूरा सॉफ्ट मसाज के साथ पेनिट्रेट करा दीजिए एटलीस्ट 90-95% तक। तो हमने सॉफ्ट मसाज के थ्रू इस जेल को अच्छे से पेनिट्रेट करा देना है पूरे फेस में। ज़्यादा हैवी प्रेशर से मसाज नहीं करना है, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्रीम के साथ ही मसाज देना है। तो आपको जो रिलैक्सेशन वाला मसाज देना है वो आप क्रीम के साथ दे सकते हो। जेल को 95% तक स्किन पर चला गया है। फिर हमने अपना हाफ माइक्रो कैप्सूल लेना है। आप इस तरह से इसको बॉल में भी निकाल के और इसके बैक साइड से यहाँ से आप इसको इस तरह से करके मैश कर सकते हैं। सो अभी हमारे हम ट्रे यूज कर रहे हैं, तो हम इस तरह से ट्रे में इसके स्पैचुला के साथ मिक्स कर रहे हैं। देन हमने इसको पूरा अच्छे से मैश कर लेना है। तो इसमें अभी हम अपना, अभी अब तक हमने 5 स्टेप यूज़ कर लिए हैं। 4 स्टेप में हमने कैप्सूल, जिसको हमने 5th और 6th में मिक्स करेंगे, तो 6th स्टेप में हमारा आ जाता है सूफले मास्क। तो सूफले मास्क को हमने हाफ DCD या माइक्रो कैप्सूल जो भी हम बोलेंगे मिक्स करके हम फेस पे अप्लाई कर देंगे फॉर 10 मिनट्स के लिए। तो अभी आप देखिए हमें कैसे करना है। बॉल का यूज भी कर सकते हैं और आप इस तरह से इसको मिक्स भी कर सकते हैं। समटाइम कहीं पे कैंपे की ट्रे नहीं होता है, देन आप इसमें बॉल का यूज कर सकते हैं। दो बॉल में पहले हाफ हाफ आपने माइक्रो कैप्सूल को निकाल लिया, देन उसको मैश कर लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक में आपने जेल ड्राई जेल और दूसरे में आपने सूखले मास्क मिक्स करके फिर यूज कर लिया। ये हमारा मिक्स हो चुका है, हमने इसको पैक ब्रश के साथ मिक्स करना है अच्छे से। तो अभी हमने इसको ब्रश के हेल्प से इसको फेस पे अच्छे से अप्लाई करके छोड़ दिया है। तो अच्छे से पूरे फेस पे मैं अप्लाई कर देती हूँ। अभी हमने अपना सूफले मास्क अप्लाई कर दिया है और अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। सो अभी हमारे यहाँ पे 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे मास्क का टाइम भी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसको जस्ट वाइप ऑफ करना है, क्योंकि ये मास्क ड्राई नहीं होता। अगर आपको 2 मिनट मसाज देके निकालना है देन तब भी आप निकाल सकते हो, बट मैं नहीं निकालती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, एक बार मास्क ड्राई हो जाता है हम अगेन उसको मॉइस्चराइज करते हैं और फिर उसको रिमूव करते हैं, तो वो आपका क्या होता है ना, एक्सफोलिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट ये हमेशा आपको क्या होता है ना, सेमी ड्राई पे निकाल देना चाहिए। लेकिन हमारा जो मास्क है, ये जो कैंपेगी का जो मास्क है, ये क्या करेगा, ये ड्राई नहीं होता, तो इसलिए आप इसको डायरेक्टली ही वाइप ऑफ कर सकते हैं। सो हमारा 7th स्टेप रहेगा। 6th स्टेप में हमने अपने मास्क को अप्लाई करके छोड़ा था 10 मिनट और हमने वो निकाल दिया है। एंड 7th स्टेप में हमारा है कॉन्सेंट्रेट सीरम, यानी कि एम्प्यूल। सो ये जो ऑयल फॉर्म में होता है, यही प्रोडक्ट की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। सो इसमें हमने कुछ हर्ब्स यूज़ किए हैं ब्लांच फेशियल में, जैसे आपका यारो, लेवेंडर एंड सैफ्रन। साथ में हमने कुछ एसिड्स यूज़ किए हैं जैसे कोजिक एसिड, अरबिटेन एंड विटामिन सी। तो
सोर्स ऑफ नेचुरल हैं और इंग्रेडिएंट्स ऑफ वाइटनिंग के लिए हैं, जो आपके मेलानिन को भी कंट्रोल करते हैं, जो ओवर मेलानिन प्रोडक्शन से भी आपको रोकते हैं, साथ में आपको जितना भी डार्क स्पॉट एंड डिस्कलरेशन है उसको लाइट करने में हेल्प करते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, एम्प्यूल का पूरा अपना हाथ में एक बार लेके हम लोग चेक कर लेंगे। सेफ साइड रहना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी क्लाइंट को या आपके मॉडल को प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने अभी इसको एक बार चेक कर लिया है, ये एकदम सेफ है, तो मैं इसको अप्लाई करूँगी और इसके साथ में सॉफ्ट मसाज दूंगी। आप चाहो तो मशीन भी यूज़ कर सकते हो अल्ट्रासोनिक, बट मैं मैनुअली ही कर रही हूँ। अच्छा, जो प्रोडक्ट हम लोग अब्जॉर्ब कराते हैं उसको कभी भी क्लीन नहीं करना होता है, हम इसको वाइप ऑफ नहीं करेंगे, ना ही हमने जेल किया था, ना ही हम अपना सिरम करेंगे और ना ही इसके बाद हम अपना क्रीम। तो इसी के ऊपर हम लेंगे अपना 8 स्टेप क्रीम से मसाज, जिसका नाम है करेक्शन कॉम्प्लेक्स क्रीम। तो पहले थोड़ा ही लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयली है ये क्रीम, तो हमें थोड़ा लेके मसाज करना है। आपके पास जरूरत पड़ते थे तो आप थोड़ा सा और लेते रहिएगा। अब हम अपने क्लाइंट को जो जितना टाइम भी आप देते हो क्लाइंट को, जितना रिलैक्स वाला मसाज देते हो, जैसे क्लाइंट की ज़रूरत हो वैसे ही आप क्लाइंट को मसाज देंगे। तो अभी हमने क्या हुआ, हमारे क्लाइंट का मसाज कंप्लीट हो गया है, आपको भी उतना देना है रिलैक्सेशन वाला मसाज। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, 9th स्टेप, वो हमारा आता है एल्गी मास्क। एल्गी मास्क क्या होता है, वो आपके एल्गे से बना होता है, एल्गा मतलब समुद्र की काई, जो उसमें कूलिंग प्रॉपर्टी होती है वो आपके स्किन को कूलिंग इंसुलिंग इफेक्ट देता है बहुत अच्छे से। साथ में इसमें मिनरल्स होते हैं, क्योंकि जितना वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होता है उसमें मिनरल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है, एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं एंड ये आपकी स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग टाइटनिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो एक पाउडर में है हमारा, एक शैशे में है हमारा पाउडर एंड सेकेंड में है हमारा जेल। तो हमने पाउडर और जेल को दोनों को अच्छे से मिक्स करके यूज करना है। सो 3 मिनट की टाइमिंग होती है इसकी, सो 4 मिनट की इसकी टाइमिंग होती है। तो 1 मिनट में आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और 3 मिनट में इसको अप्लाई कर दीजिए। तो उसको पहले हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सर्कुलर मोशन में करना है। में जो ये जेल है जिसके साथ हमने मिक्स किया है वो भी वाटर बेस्ड जो प्लांट होते हैं उसी से ही ये जेल बना हुआ है, इसको हम नेक्टर प्लांट बोलते हैं। अच्छे से ये मिक्स हो गया है हमारा, इसके बाद हम लोग इसको फेस पे अप्लाई कर देंगे। एक बार क्लाइंट से कंफर्म करेंगे कि उनको आईज पे और लिप्स पे लगाना है कि नहीं, तो आप लगाएंगे, नहीं लगाना है तो नहीं लगाएंगे। लगाना है इस पे, लगा दूँ ना इस पे, नो करना ठीक। तो हमारी क्लाइंट की डिमांड है कि उनके फेस पे नहीं, मतलब लिप्स को छोड़ दें और आईज को कवर कर दें। तो आईज को अच्छे से आप बंद कर लीजिए टाइट से। तो हम हमेशा स्टार्ट करेंगे फिर आईज के साथ, अगर उन्होंने आईज पे लगवाना है तो। दिया है अभी आप क्लाइंट को 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे।
सो अभी हमारे क्लाइंट के मास्क को 15-20 मिनट हो चुके हैं प्रॉपर। तो हमने क्या करना है, इसको रिमूव करने के लिए फर्स्ट अपने जो जितना भी मास्क के ये लाइंस हैं उनको क्लियर करना है, ठीक है। तो क्लियर करने के बाद हम इसको पील ऑफ कर देंगे। सो अभी हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, जितने ये लाइंस आ गई हैं जो हमारा मास्क बचा हुआ है इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आफ्टर फेशियल हमारे क्लाइंट का कितना अच्छा रिजल्ट आया है, एक काफ़ी क्लीन हो गया है फेस एंड ये चीज़ भी लाइट हुई है। बट अभी इसका और 24 आवर्स में इसको बहुत अच्छे से ग्लो मिलने वाला है हमारे क्लाइंट को, क्योंकि अभी क्या है हर मॉइस्चर हर मास्क के बाद एक हमने मॉइस्चर लेयर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आप मास्क अप्लाई करते हो उससे हमारा सर्फेस क्या है थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। ये आप देख सकते हो कि कहीं पर ऑयल है कहीं पर ड्राइनेस है, काफ़ी ड्राइनेस मिट्स के नॉर्मल हो जाता है। तो अभी हम उसको अगेन एक लेविन क्रीम का लगाएंगे, जिसको हमने जिस क्रीम से मसाज की थी उसी को थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर देंगे स्किन को। सो क्लाइंट का स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, ठीक है। सो जस्ट मॉइस्चर लेयर देना बहुत ज़रूरी है एंड इसी के ही ऊपर हम लोग अपना SPF अप्लाई कर देंगे, जिसका नाम है कूयो। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा मॉइस्चराइज हो गया है स्किन अच्छे से एंड इसमें ये हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आता है लास्ट में फिनिश SPF कूयू। कूयू मीन्स फॉर यू। सो ये आपका है सनस्क्रीन, आपने हर फेशियल के बाद क्लाइंट को SPF लगा के ही भेजना है। ये SPF 40 आता है, ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए जाता है। सो हमने बहुत कम क्वांटिटी, इतना काफ़ी रहता है, हमने ये लिया फिंगर टिप्स पे। मैं फेस की बात कर रही हूँ, फिंगर टिप्स पे अच्छे से हमने जस्ट एक लेयर बनानी होती है, क्योंकि इससे क्या है हमने प्रोटेक्शन देना होता है क्लाइंट को। तो एक लेयर बनानी है हमने जस्ट, और ये सो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सनस्क्रीन के बेनिफिट्स के बारे में भी एंड हाउ टू यूज SPF कैसे होता है वो भी सब मैं बताऊंगी। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपको जैसे कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे देन तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। के लिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि क्लाइंट रिलैक्स।